ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अब खुलकर सामने आने लगे हैं। भारत के एक्शन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री को सफाई देनी पड़ रही है और वो मीडिया के सामने आकर भारत को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। भारत के सख्त एक्शन के बाद अब कनाडा के प्रधानमंत्री के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत कनाडा स्थित एम्बेसी से एक एक कर अधिकारियों को वापस कनाडा डिपोर्ट कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कनाडा में मौजूद अपने दूतावास से अपने राजनयिकों को भी भारत वापस बुला लेगा। इसका अंदाजा कनाडा को नहीं था, लेकिन भारत ने सख्त एक्शन लिया। आरोप ही ऐसा था। अब कनाडा ने फिर एक बार भारत को लेकर गंभीर आरोप लगाए। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में भारत ने कहा था कि पिछले एक साल से भारत कनाडा से सबूत मांग रहा है। निज्जर की हत्या को लेकर भारत का नाम जिस तरीके से कनाडा ने लिया, उसके बाद भारत ने सबूत मांगा था, लेकिन अब तक कनाडा की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई सबूत नहीं दिया गया। लेकिन इसके उलट अब कनाडा के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं और उन्होंने भारत सरकार को वो सबूत सौंपे भी हैं और भारत के साथ वो जांच करना चाहते हैं, लेकिन भारत जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। कनाडा इज अ कंट्री रूटेड इन द रूल ऑफ लॉ and the protection of our citizens is paramount. That's why when our law enforcement and intelligence officials began pursuing credible allegations that agents of the government of India were directly involved in the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar, on Canadian soil, we responded. Prime Minister Justin Trudeau ne press conference kar Bharat par silsilewar tarike se aarop lagaye. उन्होंने कहा कि भारत के साथ पिछले एक साल से बातचीत की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत सहयोग नहीं कर रहा है। आरसीएमपी का हवाला देते हुए ट्रूडो ने कहा कि आरसीएमपी कह चुका है कि उसने कई सबूत भारत के खिलाफ जुटाए हैं, जिसमें भारत सरकार के 6 एजेंटों पर आपराधिक गतिविधियों में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। भारत सरकार को बार बार किए गए आग्रहों के बावजूद उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। They have clear and compelling evidence that agents of the government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians, and involvement in over a dozen threatening and violent acts, including murder. This is unacceptable. While attempts have been made by the RCMP and national security officials to work with the government of India and Indian law enforcement counterparts on this matter, they have been repeatedly refused. This is why, this weekend, Canadian officials took an extraordinary step. They met with Indian officials to share RCMP evidence, which concluded 6 agents of the government of India are persons of interest in criminal activities. And despite repeated requests to the government of India, it has decided not to cooperate. ट्रूडो ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी उन लोगों को आश्वस्त करना है कि वो सुरक्षित महसूस कर सके। अब यहाँ कनाडा के प्रधानमंत्री चाहे जो कुछ बोल ले, सत्य नहीं बदलेगा। कनाडा की तरफ से भारत को अब तक कोई सबूत नहीं पेश किया गया है। भारत पर वो एक तरफा आरोप लगा रहे हैं और भारत ने एक साल के इंतजार के बाद आखिरकार कनाडा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। हालांकि ये बस शुरुआत है। कनाडा को इस बात का भी डर सता रहा है कि भारत आगे ठोस कार्रवाई कर सकता है, लेकिन देखना होगा कि अब कनाडा के प्रधानमंत्री के इन आरोपों के बाद भारत क्या एक्शन लेता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।